अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हम लोग अभी अपनी यूनिवर्सिटी में खड़े हुए हैं। थोड़ा सा आपको पहले यूनिवर्सिटी का चक्कर दे देते हैं कि क्या सीन है सारा। अच्छा, सीन ऐसा है आज का कि आज हम लोग यहाँ पर जाएंगे हाइकिंग के लिए। देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पीछे नज़र आ रहा होगा, कुछ लोग शोक खड़े हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो काफ़ी रश है, हाइकिंग पर जाना है न्यू कमर्स ने। बेसिकली हम तो थे हैं थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन वो कोरोना की वजह से आज तक न्यू कमर्स ही हैं। तो आपको साथ साथ अपडेट करेंगे, आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो इसके अलावा बड़ा मज़े की जगह, एंड दिस इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कोब्लेंस एंड लंदाओ। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का आपको व्यू देते हैं, दिखाते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी कैसी है। ये देखें भाई, ये यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है, और ये सारा सीन है। तो साथ साथ आपको अपडेट करते हैं भी, यूनिवर्सिटी बंद है ये कोरोना की वजह से, सारे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगी हुई हैं। तो कुछ वो सीन नहीं है जो नॉर्मली यहाँ पर होता है। तो इंशाल्लाह जब वो होगा वो भी आपको साथ साथ बताएंगे, अपडेट करेंगे। आज हम लोग जा रहे हैं बहुत मज़े की एक लोकेशन है, बड़ा अजीब सा नाम है, मुझे उसका नाम फिर से भूल गया। ये नाम याद आएगा तो मैं वो आप लोगों को बताऊँगा और साथ साथ आप लोगों को अपडेट भी करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग फिर से आ गए हैं उमर भाई के साथ। उमर भाई, इंट्रोडक्शन दें अपना। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं भाई, बड़ी आवाम है और फ्रंट पे भी बड़ी आवाम है। आपको फ्रंट का व्यू भी दिखाते हैं, सारे चल रहे हैं अभी। पता नहीं है, वो फिर एक अजीब से जगह का नाम लिया। मैंने पूछा कहाँ जाना है, वो कहती है अभी ऑन टॉप ऑफ द हिल। मैंने कहा देयर शुड बी अ नेम फॉर द हिल, वो कहती है यू विल सी दैट। तो अभी देखते हैं भाई, आगे चलते हैं, वो सरप्राइज है। खुद को भी दिखाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे और साथ साथ इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। क्यों उमर भाई, ऐसा ही है, फर्स्ट टाइम हाइकिंग पे आए हैं। हाँ, नहीं तो जर्मनी आए हैं, कोब्लेंस में फिर रहे हैं, तो अपने कुछ तासुरात तो बताएं, अपनी अपने पिंडी बॉयज को कोई पैगाम तो दें। अभी तक तो सब कुछ मान ली है, कोई एंजॉय नहीं किया। अच्छा, पता चलेगा यूनिवर्सिटी खुलेगा तो पता चलेगा, है वेट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, फिलहाल तक क्या तासुरात हैं, हाउ विल यू, नहीं आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे और बताएंगे, कंपैरिजन करेंगे लाइफ कैसी थी और कैसी है। स्टैंडर्ड तो काफी अच्छा ही है। अच्छा, मजा आ गया है। पोल्यूशन वगैरह बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है, साफ साफ दिख रहा है, ये अच्छी बात है, ये मजे की बात है। कैसा चल रहा है यहाँ पर, तो काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। व्यूज़ अगर आप चेक करें, वही मज़ा आ जाता है ना यार। हाँ, कोई जगह है बिल्कुल अपने, वो अपने घर की, अपने गांव की, वो गांव वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन जगह बड़ी मज़े की है और काफ़ी खूबसूरत है। क्यों भाई, क्या कहोगे इस बारे में? भाई बढ़िया जगह है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक बार तो आना चाहिए इधर, है ना। अच्छा, ये पेशावर घूमो या ना घूमो, पर इधर आना चाहिए। नहीं, ये सही का, ये बताओ, ये बताओ कि इंडिया से कौन सी बस लेनी पड़ेगी इधर आने के लिए। 11 नंबर बस है, 11 नंबर, ये सही है, ये सही है। आप यहाँ पे आ सकते हो आराम से, ठीक है। हाँ, वो खुद की कैपेसिटी पे है आपकी, लेटर लेके भी आ सकते हो, ऐसा नहीं है। 11 नंबर बस पकड़ो, अच्छा, और गूगल डालो मैप और बस डायरेक्ट सीधा इधर। हाँ, डायरेक्ट, हाँ ये सही कहा। तकरीबन टॉप पे पहुंच गए हैं, आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। व्यू बड़ा मज़े का है, आप अगर देखें तो इतना मुश्किल नहीं था। पाकिस्तान में जो हाइकिंग हमने की थी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, ये ऐसी गपशप है।
तो आपको साथ साथ दिखाते हैं, बताते हैं। जगह बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और मज़े की बात ये कि आज सूरज भी निकला हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं है। वरना यहाँ पर ज़्यादातर आपका भाई बादल रहेंगे और बारिशें होती रहेंगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनती रहेगी। तो अभी प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी पुरसकून, ग्रीन, बेहतरीन माहौल है। और अगर आप उस तरफ देखें तो वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो, नहीं आ रहा, पता नहीं आ रहा है या नहीं, तो वहाँ पर हमारे कुछ मेंबर्स, स्टूडेंट्स साथ साथ हैं, कुछ आगे चल रहे हैं और मैं तकरीबन सबसे आगे रहता हूँ या मैं सबसे पीछे रहता हूँ, ताकि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। हमारे कुछ दोस्त खड़े हुए हैं और कुछ पेशावर से हैं जो बड़ी मज़े की पश्तो भी जानते हैं। आप पेशावर वाले भाई संगा चल ले अखबल इंट्रोडक्शन वर का खलकोला जान उखाया वर्ता सके सन के दाजे सिंगा दे खलको तब रिकमेंड के न के पट्टी ये 400 नहीं पट्टी थी 400 तरागली है او بس یسو نیشتا خوش کی دی او کرازای نو چی قسم لے تا ورشی دل کمرازای را یسو نیشتا او یا خواده خواده بلڈنگ بلڈنگ گرو نے دی او بس گرو نے دی ها روان دا کم دا نور سے نیشتا ها او نور بدل دے تے تا قسطا سو مخ تے چی دل رازای نو تا خو خدا کی हाँ भाई आप क्या कहना चाहोगे, पश्तो में या उर्दू में? उर्दू में कहना चाहेंगे बस। अच्छा? यहाँ पे अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। अच्छा डाडो मजो आया और ये देखिए दिल गार्डन गार्डन हो रही है अच्छा लग रहा है अच्छा। और आप क्या कहेंगे भाई, वाह कैंट वाले भाई आए हैं हरियाली देख रहे हैं खेत में, अपनी जुबान में बोले ना, वाकेंड के लोगों को समझ आनी चाहिए ना। ओ इस तरह भी आ जाएगी। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ भाई पाकिस्तान वाली फीलिंग अभी भी चल रही है, तो साथ साथ एक ट्रैक्टर आ गया, तो मैंने कहा आप लोगों को जरा वो ट्रैक्टर भी दिखाऊं, माहौल भी दिखाऊं। भाई यहां पे पहाड़ों के ऊपर खेत हैं सारे और बड़े मजे की पता नहीं कौन सी फसल लगी हुई है, लेकिन बस खेती बाड़ी का सीन ऑन है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो सीन बड़ा मजे का चल रहा है, साथ साथ आपको अपडेट करते हैं और दिखाते हैं भाई क्या सीन है। यहाँ पर वो मुबशर सदीक वाली फीलिंग आ रही है, अपना मुबशर सदीक क्या है यार, वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग बनाएंगे भिंडी पराठा। तो ऐसी जगहों पे ही हमारा वो भाई बनाता रहता है, ये वो वाली सीन है सारा।